आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी विदाउट आईआईटी के, यानी कि यदि आपको किसी आईआईटी कॉलेज में जाना है तो आप बिना जेई का परीक्षा दिए हुए उस कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस इस पर क्रिएट किया है और लगातार मैं देख रहा हूँ बाकी क्रिएटर भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, और कई बच्चे उनके गाइडेंस के कारण, मेरे गाइडेंस के कारण भी कई बच्चे आईआईटी के डिग्री पर एनरोल हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, इसका एक पोटेंशियल थ्रेट यानी पोटेंशियल डेंजर आपके करियर पर पड़ सकता है। तो इसीलिए यदि आप कोई भी यदि आईआईटी के कोर्स पर एनरोल होने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी है, दोनों हो सकता है वो कोर्स, यदि आप उसमें एनरोल हो रहे हैं तो आपको कुछ बातों को समझना होगा, फिर उसके बाद ही आप इन सारे डिग्री कोर्सेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल में भी कई कोर्सेस कई यूनिवर्सिटी लगातार लॉन्च कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए प्रोग्राम आजकल चला रहे हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। यदि आप बीटेक कर रहे हैं या कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उसके पैरेलल में भी आप कोई और डिग्री एमबीए वगैरह कर सकते हैं, और ये चीज़ देख करके कई बच्चे उस कोर्सेस में एनरोल हो रहे हैं। ये कोर्सेस आईआईटी के द्वारा भी होता है या उनके कॉलेजेस के द्वारा भी हो सकता है। तो बच्चे सोचते हैं कि एमबीए का तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो क्यों ना बीटेक के साथ साथ एमबीए भी कर ले, काफ़ी बेहतर रहेगा, जॉब मिलना आसान रहेगा। ये आप सोच रहे हैं, असल में सिनेरियो क्या बन जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कोई और डिग्री कोर्सेस में भी एनरोल होने के लिए, तो फिर ये वीडियो को देख लीजिएगा एक बार के लिए। सबसे पहले तो मैं कौन होता हूँ इस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आईआईटी मद्रास का जो डिग्री कोर्स था वो मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया था, आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आईआईटी मद्रास के जो बीएस डेटा साइंस है उस पर मैंने मतलब वीडियो बनाया था, और कई लोग उस वीडियो को देखे थे, करीब 20-25 हज़ार लोग उस वीडियो को देखे, और काफ़ी कमेंट भी आया, लोग कहे भी कि मैं इस कोर्सेस में एनरोल हो गया हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको वाकई में वो कोर्स में एनरोल होना चाहिए? जवाब है नहीं। यदि आप बीटेक कर रहे हैं कोई और कॉलेज से तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि कोई और डिग्री में एनरोल हो। सीधा इसका जवाब इसलिए ना है, क्योंकि मैंने खुद आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस में एनरोल किया था, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बीआईटी मैसरा में पढ़ता हूं, तो उस एडमिशन लेने के बाद मैंने क्या किया, मैं कॉलेज गया। कॉलेज में मुझे बीटेक की पढ़ाई भी करनी थी और मुझे आईआईटी मद्रास के बीएस डेटा साइंस की भी पढ़ाई करनी थी। तो यहां पर मुझसे, मैंने अपने आप को फील किया कि मुझसे ये दोनों नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया तुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे तो हो जाएगा। ठीक है, आपसे हो सकता है, ठीक है, मैं रेयर केस था, मुझसे नहीं हो पाया। अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं हो पाया, आखिर मुझे क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये आईआईटी मद्रास के बीएच डेटा साइंस को क्विट कर देना चाहिए। मैंने 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना तक बीएच डेटा साइंस को कंटिन्यू किया, ठीक है। एडमिशन मैंने ले लिया था, ग्रुप भी मेरा बना था, व्हाट्सएप में सब कुछ नोट्स वगैरह आता था, क्लास वगैरह भी मैं करता था, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां पर आपको अच्छा कॉलेज की, मैं अच्छा इन द सेंस जहां पर कंपनीज आती है, प्लेसमेंट आती है, आपको कॉलेज के थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगता है, नौकरी लगता है, जॉब लगता है, मैं उस कॉलेज की बात कर रहा हूं। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो मैं उस कॉलेज की बात कर रहा हूं। यदि आप वहां पर जाते हैं तो आपको 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, आप क्लास एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, आपको क्या करना है, सीजीपीए मेंटेन करना है, ठीक है। कम से कम लोग कहते हैं 7.5 पार होना चाहिए, ये गलत बात है, 8.5 पार होना चाहिए,
ठीक है, नहीं तो उससे कम है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आप कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में जाते हैं तो 8 CGPA का, 7.5 CGPA का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी भीड़ को देख करके, ज्यादा यदि बच्चे हैं तो पहले क्राइटेरिया सेट कर देती है कि भैया इस बार तो 8+ CGPA वाला को ही मैं बैठने दूंगा वरना जाने दो, ठीक है। तो इसीलिए 8.5 CGPA सेफ माना जाता है, उतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। ये दो चीज आपको मेंटेन करना है, ऊपर से लैब असाइनमेंट ये सब तो दुनिया जानती है कि कितना प्रेशर होता है। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के बावजूद आपको क्या करना है, आपको IIT मद्रास के BS डेटा साइंस का जो कोर्स है, ठीक है, उसका जो वीडियो लेक्चर आएगा वो अटेंड करना है, शाम को सुबह को आपको जब टाइम मिलता है करना पड़ेगा। हर वीक उनका असाइनमेंट आता है जिसका सॉल्यूशन इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोचेंगे कि भैया चलो इंटरनेट पे मैं खोज लूंगा, ChatGPT चला लूंगा, तो पहले मैं आपको बता दूं ChatGPT हाथ खड़ा कर देता है। यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब पूछना है तो आप ChatGPT को नमस्ते करके आगे बढ़ जाइए, वो आपका कोई मदद नहीं करने वाला है। अब सवाल ये रहा कि आप अपने क्लासमेट से डिस्कस कर लेंगे, तो ये भी भूल में मत रहिए, ठीक है। मैंने खुद देखा कोई आपका मदद करने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो अपने लाइफ में लगे हुए, आप उनको परेशान नहीं कर सकते हैं, कोई आपका मदद नहीं करेगा असाइनमेंट में, आपको खुद करना होगा और हर हफ्ता आपको देना होगा, वरना उस कोर्स को करके कोई फायदा है नहीं। यदि आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, उनके असाइनमेंट को नहीं दे पा रहे, उनके एग्जाम्स भी ऑफलाइन होते हैं, आप वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तब फिर ये कोर्स आप मत एनरोल लीजिए, कोई फायदा नहीं है। यदि आपने जिम्मेदारी उठाई है तो उसको निभाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्जाम चलता है उसका प्रेशर, वहां आपका ऑफलाइन जो कॉलेज का होता है उसका प्रेशर, ये दोनों एक कॉलेज गोइंग बच्चा नहीं हैंडल कर सकता है। और तो और ये तो अलग ही चीजें हैं, आपको मालूम है जो हमारे कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो कितना इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। एक बच्चा सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पर नौकरी पा ले ऐसा हो नहीं सकता, ये जग जाहिर है। उसको अपने से हाथ पैर मारना ही पड़ता है, अपने से बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है। अब आपको पता है क्या क्या सीखना पड़ता है, DSA है, वेब डेवलपमेंट है, बाकी बहुत कुछ है जो आपको सीखना पड़ता है अपने से। कॉलेज आपको आपका सिलेबस जो 5-5 मॉड्यूल का रहेगा वो पूरा करा करके आपको छोड़ देगा, और कॉलेज के क्वेश्चन आपको मालूम है, यदि एक बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो वो सारी चीजों को मैनेज कर लेगा वो पढ़ाई को, ठीक है। तो कॉलेज के पढ़ाई से आपको जॉब लगने वाली नहीं है, आपको खुद से हाथ पर मारना पड़ेगा, तो उसका जॉब पाने का अलग आपको बॉर्डरेशन सर पर रहेगा। तो यहां पर आप मतलब एक निष्कर्ष ले सकते हैं, कंक्लूजन इस वीडियो से निकाल सकते हैं कि आप दोनों चीजों को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपको यदि आप किसी डिग्री कोर्सेज में एनरोल हैं किसी भी कॉलेज से, कॉलेज डजेंट मैटर, पहले मैं आपको बता दूं कॉलेज मैटर नहीं करता है। हाँ ये बात है कि यदि आप IIT NIT से नहीं है तो आपको जो एक पर्सन एक्स मेहनत कर रहा है जो IIT NIT में जाने के बाद, वो आपको 10x मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में यदि आप उतना कर लेते हैं तो लास्ट में एक ही सवाल होता है, किसको कहाँ प्लेसमेंट लगा, कौन कितना कमा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इससे आप हम कोई भी जुदा नहीं है। तो यहाँ पर कॉलेज मैटर नहीं करता है, किसी भी कॉलेज में यदि आप डिग्री ले करके पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री वाला पढ़ाई कर रहे हैं, BTech है या MBA कर रहे हैं या कुछ भी कर, BCA कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है, मेरा खुद का ओपिनियन है, आप IIT के कोर्सेज में भी एनरोल मत होइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बस पैसे कमाने की एक ट्रिक है, एक नया तरीका है कि IIT विदाउट JEE, ठीक है। असल में ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाया, ठीक है। आपको फील होगा I am quitting, और दिस इज द प्लेस वेयर यू फील योर सेल्फ एज अ राइट पर्सन टू क्विट, ठीक है। तो आप जरूर इस चीज को समझिए, बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यदि आप फिर भी इस तरीका का IIT विदाउट JEE वाला कोर्स का इंतजार कर रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करके रखे हुए, तो एक सजेशन मानिए, इस चीज को छोड़िए, बंद कीजिए, अपना
जो डिग्री कोर्सेज है उस पर आपको फोकस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज है, जाकर के आप देख सकते हैं। यूनिटी पर मैंने गेम बना करके पूरा 2D 3D प्लेलिस्ट तैयार किया, आप वो जाकर के देख सकते हैं। अभी मैं कई यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ, ठीक है, DSA से जुड़ा, वेब डेवलपमेंट के टिप्स एंड ट्रिक्स से जुड़ा, ठीक है, और बहुत सारे इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिग्रीज, ये सभी चीजों से मैं चैनल अभी हाल ही में ये 3-4 मल्टीपल चैनल खोलने वाला हूँ। तो आप जाकर के उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ जो भी इन सारे ट्रैप्स का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।